करते हैं आज गिलास नंबर 16। तो नंबर 16 है बेंजीन से डाइफिनाइल, बेंजीन से बनाना है डाइफिनाइल। आप इसको चाहो तो बाइफिनाइल भी बोल सकते हो, जरूरी नहीं है कि डाइफिनाइल होगा, बाइफिनाइल भी बोल सकते हो इसको, दोनों का सेम मीन है। और ये तो है आपकी नॉर्मल बेंजीन, आप चाहो तो सर्कल भी लगा सकते हो बीच में, ठीक है। और अब इसमें सबसे पहले हमारा काम है Cl ऐड करने का, ये हो गया Cl ऐड। तो अगर ये Cl ऐड हो जाता है तो फिर तो दो बेंजीन की रिंग आपस में इजीली ऐसे अटैच हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जो बनेगा ये हो जाएगा आपका डाइफिनाइल। अब सोचने वाली बात ये है, पहले एरो के ऊपर क्या आएगा, रेज योर हैंड, फर्स्ट एरो, पहले एरो के ऊपर क्या आएगा। ओके, तो मयंक, मयंक बताइए क्या आएगा पहले एरो के ऊपर। सर FeCl3। और इसको ना लिखने का तरीका देख लो, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, ये होता है लिखने का तरीका, ठीक है। तो ये क्लोरोबेंजीन आ गया, बहुत अच्छी बात है, आपने जो टूल है वो रिवाइज किए हैं, और इतने आंसर आने का यही कारण था कि इतने सारे जो टूल है वो आपने रिवाइज कर रखे हैं पहले से ही। ओके, और आगे चलते हैं, अगला जो एरो है इसके ऊपर क्या आएगा, रेज योर हैंड, नेक्स्ट एरो। जतिन बब्बर बताइए, जतिन बताइए। एन ए ड्राई ईथर, वेरी गुड, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। क्या कोई बता सकता है ये पूरी रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन से डाइफिनाइल, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, पॉपुलर रिएक्शन है नोन एज, बताइए क्या है नाम इसका। जतिन सर, फिटिग रिएक्शन, इसे फिटिग रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना, फिटिग रिएक्शन। तो ये आपकी होगी कन्वर्जन पूरी, ये डाइफिनाइल है सोडियम इन द पे। और एक और बात मैं आपको बता दूं, यहाँ आपको अमाउंट भी बताने की जरूरत नहीं होती कि यहाँ दो सोडियम है या फिर ये दो मोल है, कन्वर्जन की यही खास बात है, आपको कोई अमाउंट नहीं बतानी कि यहाँ दो सोडियम लिया है, यहाँ दो मोल क्लोरोबेंजीन लिया है, ऐसा कुछ भी नेसेसरी नहीं है, ठीक है। आप नॉर्मल आंसर इसका दे सकते हो। ओके, तो आगे चलते हैं नंबर 17 पे। तो नंबर 17 कौन सी है, ये है आपकी टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और इससे फॉर्म करना है आपको आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसे ये फॉर्म करना है। तो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का मतलब है ब्यूटाइल है और टर्सरी है, अब यहाँ से आपको टर्सरी और आइसो पता होना चाहिए, इन्होंने ना जानबूझ के इसका नाम आइसो रख दिया, आइसो ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल भी बोल सकते थे बट आइसो रखा इन्होंने। तो देखो टर्सरी ब्यूटाइल का प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, यानी कार्बन यानी ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन तीन कार्बन से अटैच है तो ये टर्सरी होता है, ठीक है। तो ये तो बनाना आसान था, CH3 CH3 CH3। आइसो भी कई बच्चे तो बड़े आराम से बना लेंगे, आइसो भी क्या है, आइसो में एक ब्रांच होती है कार्बन की, तो 1 2 3 ये एक ब्रांच होगी, ठीक है। ब्रोमीन आपको यहाँ लगा देना है, खत्म, के लिए बन गया आइसो और ये पूरा ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल और ये ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ से हमें कुछ ऐसा करना है कि इसकी जो शेप है मैं ऐसे ही बनाने के लिए थोड़ा सा इसको ना ऐसे लिख देता हूँ, ब्रोमीन की जगह ऐसे लिख देता हूँ, आप इस पे सहमत भी हो गए, यहाँ ब्रोमीन और यहाँ CH3 लिख रहा हूँ, इसकी शेप ऐसी बनाने के लिए। तो बताइए ऐसा क्या करूँ मैं कि यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड CH2 ये आ जाए, ठीक है। और अगर ये आ गया तो आपका अगला एरो भी आया पड़ा है, कुछ नहीं है फिर अगले एरो में, सी एच
CH2Br. तो पहला एरो आपको बताना है क्या आएगा. फर्स्ट एरो, रेज योर हैंड. कुश बताइए फर्स्ट एरो. एल्कोहलिक KOH. वेरी गुड, यहाँ है एल्कोहलिक KOH. ये बन गया. अब दूसरा एरो बताना है, सोच समझ गए कि यहाँ क्या आएगा, क्या डालें जो ये आ जाए. सेकंड एरो, रेज योर हैंड. ओके विपिन बताइए. वेरी गुड, बहुत से आंसर आ रहे हैं आज, बहुत अच्छी बात है, आपने प्रैक्टिस करी इसकी. HBr in the presence of peroxide. HBr in the presence of peroxide. वेरी गुड, ये आएगा. अब ये जो टूल है, जो भी नया टूल आए उस पे हाईलाइट करना है आपको, ठीक है ना. ये नहीं कि बार बार वही चीज रिपीट हो रही है. देखो ब्रोमीन अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस है तो ब्रोमीन वहां अटैच होगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, तो ज्यादा हाइड्रोजन की तरफ ही अटैच हो गया और सी पे ही अटैच हो गया. ये आपका आंसर आ गया प्रॉपर. और आगे चलते हैं नंबर 18 की तरफ. ये है नंबर 18 और नंबर 18 है इथेनॉल से ब्यूट 19. इथेनॉल से बनाना है ब्यूट 19, ये बनाना है. अब इथेनॉल क्या है, CH3CH2 और ये OH. ब्यूट 19 क्या है, इसमें कार्बन ज्यादा होंगे, जाहिर सी बात है. CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये ब्यूट 19 है और ये था क्या आपका इथेनॉल. एक एक करके एरो बताते रहना. इसका इसकी दूसरी ट्रिक भी है, पिछले साल एक लड़की ने बताई थी कि सर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो वो ट्रिक भी बहुत बढ़िया है, कामयाब है. पहले तो बताना है यहाँ पर इसकी जगह ऐसा क्या डाले जो Cl आ जाए. ओके, फिर बताना है इसमें ऐसा क्या डालें जो डबल बॉन्ड आ जाए. फिर बताना है इसमें ऐसा क्या डालें जो दोनों पोजीशन पर ब्रोमीन ऐड हो जाए. फिर आपको बताना है ऐसा क्या डालें जो ट्रिपल बॉन्ड आ जाए. और इन द एंड आपको बताना है ऐसा क्या डालें जो ये आ जाए. तो आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 एरो हैं. स्टेप बाय स्टेप देखो, एग्जाम में ना कोई ये रटना नहीं होता, आपको तरीके सीखने होते हैं. जैसे आपको टूल पता लग गए ना, तो आप ना इनकी इनको इसके अलावा और भी किसी तरीके से कर सकते हो. तो ये कोई ये नहीं कि यहाँ से आपको याद करते करते भाई इसमें ये डाला फिर ये डाला, नहीं, ये प्रैक्टिस से आते हैं. मैंने बता दिया ऑर्गेनिक मैथमेटिक्स की तरह प्रैक्टिस है. तो फर्स्ट एरो क्योंकि आसान है तो मैं लिख रहा हूँ SOCl2. दूसरा एरो भी आसान है फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, एक बार बताओ सेकंड एरो के लिए क्या आएगा. सेकंड एरो, रोहित वेरी गुड बताइए. एल्कोहलिक KOH, यहाँ आएगा आपका एल्कोहलिक KOH. वेरी गुड, Cl निकल गया, H निकल गया, ये आएगा डबल बॉन्ड. अब यहाँ पर दोनों पोजीशन पे Br लगना चाहिए. अब मैं पूछूंगा इसमें कि क्या आएगा, तो अगला एरो बताइए. कोई बता सकता है डबल बॉन्ड पे दोनों पोजीशन पे Br लगाए. भानु बताइए. CCl4. वेरी गुड, तो आपको लिखने का जो तरीका है वो क्या होगा, इस तरीके से आप लिखोगे Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, ऐसे लिखोगे. दोनों पोजीशन पे Br आ गया. अब दोनों पोजीशन पे Br है, हमें दोनों Br हटाने हैं, ठीक है. तो मेरी बात ध्यान सुना, कुछ थोड़ा बहुत नया होगा यार, ज्यादा कुछ है ही नहीं. अगर मैं एल्कोहलिक KOH डालता हूं तो Br और H निकल जाएंगे, याद आपको KBr निकल गया. OH, देखो यहां से अगर Br निकला है ना आपका अल्फा से, यहां से निकला है, तो इस वाले से H जाएगा. H और OH मिल गया, निकल गए H2, ये निकल गए. अच्छा एक Br तो चला गया, अगर मैं चाहूं कि दूसरा Br भी जाए तो 2L को लिखे OH, तो ये वाला Br भी चला गया KBr. OH और ये वाला H भी चला गया H2.
अब आपको पता लग गया होगा कि ये ट्रिपल बॉन्ड कैसे आया, यानी दो अल्कोहलिक KOH इसमें यूज किए गए हैं। ये आ गया। अब इसमें ऐसा क्या डालें जो हमारा ये कंपाउंड हो बने जिसका नाम है ब्यूट 19। तो ये थोड़ा बहुत नया होगा आपके लिए, हालांकि बहुत आसान है। CH3CH2 हम डाल देते हैं इसमें, Cl नहीं तो एक स्टेप और भी है इसका, उसको भी कर ही देते हैं। ये देखो एक स्टेप और जाएगा अभी आगे। हालांकि ये सारी रिएक्शन जो है 11th क्लास से रिलेटेड है, जिन्होंने कईयों ने पढ़ भी रखी होगी और जिन्होंने नहीं पढ़ी वो देख लो। चलो रेज योर हैंड, इसका क्या नाम है? NaNH2 क्या कहते हैं इसको? NaNH2 को रेज योर हैंड। मयंक बताइए। सोडामाइड। वेरी गुड, इसी का नाम है सोडामाइड। मैं लिख देता हूं इसको साइड में, याद रह जाएगा आपको। ये है आपका सोडामाइड, NaNH2 को बोलते हैं सोडामाइड। ठीक है, इसे रजिस्टर के टॉप पे हाईलाइट कर लेना, इसका कॉमन नेम है ये। सोडामाइड डालोगे तो एक NH2 के साथ चला जाएगा NH3 और एक सोडियम यहाँ अटैच हो जाएगा। ये आ गया आपका CH, तरीके से यहाँ आ गया आपका CH ट्रिपल बॉन्ड, C नेगेटिव और Na पॉजिटिव, ये आ जाएगा। अच्छा ये ट्रिपल बॉन्ड है, क्या कोई बता सकता है कि यहाँ ये सोडामाइड है ये बेसिक नेचर का होता है, तो इसने क्या प्रूव कर दिया कि एल्काइन जो है वो एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है ना, ये प्रूव कर दिया क्योंकि जो ये सोडामाइड है ये बेसिक नेचर है, ये इस बात का सबूत है कि जो एल्काइन होते हैं वो क्या होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, ये 11th क्लास है बेसिकली और कुछ नहीं है, एक रिएक्शन देके बतानी होती है कि हमें प्रूव करो कि ये एसिडिक नेचर है एल्काइन का। अब इसमें क्या डालेंगे भाई? अब आ गया वो आंसर CH3CH2Cl डालेंगे, जिसमें Na और Cl निकल जाएगा, माइनस का NaCl, ये निकल गया। जो डाला हुआ है कंपोनेंट उसको मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ, CH3CH2 और Cl। तो ये NaCl यहाँ से आपका लिबरेट हो गया, निकल गया। जैसे NaCl निकला जो भी यहाँ अटैच हुआ उसको लिख दो और ये आपका फाइनल आंसर हो गया है। क्या? CH ट्रिपल बॉन्ड C और ये ऐसा कैसा जोड़ दो इसे CH2CH3, ये है आपका ब्यूटाइन, ब्यूट 19, ये बन गया आपका ब्यूट 19। तो इस तरह से ये इथेनॉल से ब्यूट 19 बनाया है। मैंने जैसे कि बताया लास्ट क्लास में एक बच्चे ने इसको एक तरीके से और बना दिया था, उसका ये कहना था कि सर हम ऐसे भी तो कर सकते थे। कैसे? मैं और लिख रहा हूँ, इसको चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। इथेनॉल CH3CH2OH और इसमें आपने डाल दिया क्या? SOCl2। ठीक है, तो ये क्या बन गया? CH3CH2 और Cl। अब जो CH3CH2Cl यहाँ डाला है आपने, क्यों ना हम अगले स्टेप में यहाँ क्या डाल दें? CH ट्रिपल बॉन्ड C और सोडियम, ये डाल दो। होगा क्या? Na और Cl यहाँ से निकल जाएगा ऐसे, माइनस का NaCl और ये ऐसा का ऐसा अटैच हो जाएगा, तो आपके दो स्टेप में ही रिएक्शन खत्म होगी। CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। और अच्छी बात ये, कई टीचर्स ने इसको ठीक भी कहा था कि हाँ ये ठीक है, नो प्रॉब्लम। अपने टीचर से आप कंसल्ट कर लेना इसके बारे में कि सर अगर हम इसको इस रिएक्शन को ऐसे करें तो क्या प्रॉब्लम है। नंबर 18 खत्म होने के बाद फिर से आता है एक नंबर 19। नंबर 19 में जानबूझ के आपको बिल्कुल ऐसा का ऐसा दे रहा हूं ताकि आप इसको होमवर्क में करके दिखाओ। देखो भाई नंबर 19, ये है आपका नंबर 19। अब आपको बनाना है इथेनॉल से ब्यूट 2 आइन।
पहले वन आयन था, अब आपको टू आयन बनाना है, तो ध्यान देना है किस तरीके से आप इस रिएक्शन को करोगे, इथेनॉल से ब्यूट टू आयन। ठीक है, ट्राई करियो, नहीं होगा तो मैं इसको कल की ही क्लास में करवा दूंगा। नंबर 20 पे आते हैं, मैं इस पे लिख देता हूँ दिस इज योर होमवर्क, ट्राई करना। अब आ जाओ नंबर 20 पे, क्लोरोबेंजीन से पैरा नाइट्रोफिनोल, क्लोरोबेंजीन से बनाना है पैरा नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रो फिनोल, तो ये तो है क्लोरोबेंजीन Cl, क्लोरोबेंजीन और पैरानाइट्रोफिनोल, दो तरीके हैं बनाने के, दोनों तरीके ट्राई करेंगे। पैरा पे नाइट्रो और ये है आपका फिनोल यानी OH, पहला तरीका। बताओ भी इसमें ऐसा क्या ऐड करोगे जो OH आ जाए, मुश्किल काम है Cl को तुड़वाना और OH को लाना, नॉट एन इजी टास्क। यशिका बताइए। NaOH at temperature 623 Kelvin and 300 atm pressure. Very good. NaOH condition है ये 623 Kelvin of temperature और 300 atm pressure से अगर ऐसा करें, कंडीशन है ये, तो यहाँ Cl टूट के क्या आ जाएगा आपका OH आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पहला एरो खत्म। अब बताओ दूसरा एरो, रेज योर हैंड, सेकंड एरो। बताइए सेकंड एरो। रितु बताइए। सर कंसंट्रेशन H2SO4 प्लस कंसंट्रेशन HNO3। बिल्कुल सही है, ये यहाँ पर है नाइट्रेशन, और नाइट्रेशन बड़े आसानी से किया जा सकता है कॉन्क H2SO4 प्लस कॉन्क HNO3, यानी ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये भी आपका ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है। तो ऐसे कितने हैं जो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, तो मैं बता दूं, बेंजीन के ऊपर अगर आपका OH है, Cl है, ठीक है, CH3 है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ठीक है, अच्छा इसी का उल्टा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के अलावा इसी का उल्टा, अगर बेंजीन के ऊपर CHO है, बड़ा पॉपुलर NO2 है, EOOH है, तो ये सारे के सारे होते हैं आपके एक मेटा डायरेक्टिंग, किसके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। ये चीज हाईलाइट कर लेना रजिस्टर के टॉप पे, ये सब किसके लिए बता रहा हूं मैं, ये सब है आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वन मिनट, अगर ये रब हट गया है तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, CHO COOH तो एक है आपका NO2, ये क्या होता है आपका मेटा डायरेक्टिंग होता है, किसके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो याद रखना, देखो यहाँ OH ने भी वही किया है जो आमतौर पर हैलोजन करते हैं, वही मेटा डायरेक्टिंग, तो इसलिए ऐसा हुआ है। आगे चलते हैं नंबर 20 पे, नंबर 21, नंबर 21, दिस इज नंबर 21 और ये है आपका, इसका एक तरीका और भी है वैसे तो, ट्राई करो और बताओ दूसरा तरीका जो है वो कैसे होगा। अगर हम कर ही रहे हैं तो इसको अच्छी तरह से डिस्कस कर लेते हैं, एक तरीका और भी है इसका, क्लोरोबेंजीन
ये है क्लोरोबेंजीन और इससे बनाना है आपको पैरा नाइट्रोफिनोल. दिस इज पैरा नाइट्रोफिनोल. तो क्यों ना हम अगर बताना एक बार क्या डालेंगे जो ये बन जाए NO2 और Cl. रेज योर हैंड इस एरो के लिए. रिया बताइए. सर कोंक H2SO4 एंड कोंक. बिल्कुल बिल्कुल. यहाँ भी तो हम वही कर सकते हैं क्योंकि अभी भी हमने ऊपर क्या पढ़ा है Cl भी तो वही है. देखो ये Cl भी तो वही है जो OH है. तो यहाँ हम वही लिख सकते हैं क्या कोंक H2SO4 प्लस कोंक HNO3 यानी नाइट्रेशन से फिर से ही आ गया. और अब क्या हमारा काम उतना ही मुश्किल है Cl को तुड़वाना. अब रेज करना हैंड ये थोड़ा स्पेशल है इसलिए कम बच्चों ने हाथ खड़े करे हैं. विपिन बताइए. 443 केल्विन एंड NaOH. वेरी गुड. अब हमारा काम 443 से हो जाएगा जो पहले ज्यादा टेम्परेचर यूज करता था NaOH और यहाँ पर क्या 443 केल्विन जो कि हमने स्टडी किया है इस चैप्टर के अंदर. ठीक है और आगे चलते हैं. 20 और अब है हमारा 21. प्रोपीन से 1-iodopropene. प्रोपीन से 1-iodopropene. प्रोपीन CH3 CH double bond CH2. 1-iodopropene CH3 CH2 CH2 और यहाँ आयोडीन. तो क्यों ना हम पहले क्या बना ले ये बना ले CH3 CH2 CH2 Br. पहले ये बना लो फिर ये बन जाएगा खत्म खेल. पहले एरो के ऊपर बताओ क्या आएगा क्योंकि आसान है तो मैं लिख ही देता हूँ. बार बार वही चीज यूज हो रही है Br इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एंटी मार्कोनी. क्या गया दूसरा जो है ये खास है बताओ इसके लिए क्या आएगा दूसरे एरो के लिए. जतिन बताइए. सर सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन. हाँ हैलोजन एक्सचेंज. तो NaI हैलोजन एक्सचेंज कर दो. फिंकलस्टीन रिएक्शन. ठीक है फिंकलस्टीन रिएक्शन थी. 22 प्रोपीन से प्रोपाइन. प्रोपीन से प्रोपाइन. ट्राई करो इसको प्रोपीन से प्रोपाइन को. ट्राई इट. CH3 CH double bond CH2 प्रोपीन है और ये है CH3 C triple bond CH प्रोपाइन. तो पहले अगर मैं यहां भी Br लगा दूं यहां भी Br लगा दूं तो रेज योर हैंड यहां क्या आएगा एरो के ऊपर. विजय बताइए. Br2 in the presence of CCl4 ये आ गया. अब इसके बाद यहाँ क्या आएगा अब रेज करो हैंड. श्वेता बताइए. 2KOH alcoholic. बिल्कुल alcoholic KOH. अगर आप इतना भी लिख दोगे ना alcoholic KOH तब भी वो ठीक कर देंगे. टू ना नहीं भी लिखोगे इतना भी लिख दोगे वो समझ जाएंगे उसी टाइम ठीक कर देंगे. तो ये भी आसानी था भाई. नंबर 23
अपने आप करना है आपको 23 इथेन से ब्रोमो इथेन, इथेन से ब्रोमो इथेन, ट्राई करो एक बार ये, इथेन टू ब्रोमो इथेन, इथेन से ब्रोमो इथीन, ये तो इथेन है, ब्रोमो इथीन तो हो गया आपका सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच और यहाँ पे बी आर ब्रोमो इथीन, ये सही है। तो सबसे पहले का जो काम है वो इसी पे ही सीएल लगाने का है, ये लग गया, फिर डबल बॉन्ड लाने का है, तो डबल बॉन्ड के लिए सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू ये आ गया। अब मुझे सिर्फ एक ही बी आर चाहिए, ज्यादा बी आर नहीं चाहिए, जस्ट एक ही बी आर चाहिए। तो यहां पर आप ऐसा क्या, ऐसी कौन सी चीज ऐड करोगे इथेन से ब्रोमो इथीन, अगर दोनों पोजीशन पे, ये भी सही है, ये देखो इनको ना रटने का वो सोचना भी मत, इनको सिर्फ आपको ये पता रहना चाहिए कि एरो के ऊपर क्या आएगा, CH2 यहाँ भी BR आ जाए और यहाँ भी BR आ जाए, उसके बाद ये वाला स्टेप है। एक एक एरो को डिस्कस कर लेते हैं, पहला एरो के लिए हैंड रेज करो, रेज योर हैंड, वेरी गुड। रितु बताइए, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, बिल्कुल सही, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपका पहला, ठीक है। दूसरा तो खैर आसानी है, एल्कोहलिक KOH ये आ जाएगा, ठीक है। तीसरा भी आसान है, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 ये आ जाएगा। अब इसमें हमें सभी को पता है एक Br हटाना है, दोनों नहीं हटाने, तो यहाँ भी अगर आप एल्कोहलिक KOH लिख दोगे तब भी वो अंडरस्टूड है, समझ में आ जाएगा टीचर्स के कि हाँ ठीक है एक Br हटाए, दोनों हटाने हो तब भी एल्कोहलिक KOH, तो ये आपके पास चॉइस है, आप इनमें से कोई भी लिख सकते हो, नंबर नहीं कटेंगे, बिल्कुल भी नहीं कटेंगे नंबर, ठीक है। यस श्वेता बोलिए, यस जतिन बोलिए। सर इसमें डायरेक्ट ब्रोमीन नहीं ऐड कर सकते, कहाँ पे, डायरेक्ट ब्रोमीन इससे नहीं, ऐसा कोई तरीका है ही नहीं, आपको पता होता आप बता दो, ऐसा कोई तरीका नहीं कि हम डायरेक्ट ब्रोमीन ऐड करेंगे इसमें। फाइनली हम आ गए हैं 24 पे और देखते हैं 24 क्या है, प्रोपीन से 1-nitro-propane, प्रोपीन से 1-nitro-propane, यह आपका प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और ये है 1-nitro-propane, ये 1-nitro-propane ये है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ, तो चलो आ गया Br तो सिंपल है, लगा सकते हो आप CH2 Br में डाल दूं अगर मैं AgNO2,
AgNO2, तो यहां से क्या निकल जाएगा AgBr, और ऐड क्या हो जाएगा NO2, तो ये तो हो गया यहाँ का। रही बात यहाँ की, ये तो सबको पता ही है यार, ये है HBr in the presence of peroxide, ठीक है, एंटी मार्कोनिको। आसान सा था ये भी, AgNO2 थोड़ा नया था। 25 पे आ गए हम, ब्यूट वन इन से बनाना है ब्यूट टू इन, ब्यूट वन इन ये बनाना है ब्यूट टू इन, ये बनाना है। तो ब्यूट वन इन क्या हो जाएगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, और बनाना है टू इन सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच थ्री, ये बनाना है वन इन से टू इन। तो तरीका जो होगा वो क्या होना चाहिए, क्यों ना हम इसमें सी एच थ्री सी एच टू सी एच और यहाँ पर क्या जोड़ दूं मैं बी आर और सी एच थ्री। अब अगर मैं यहाँ पर ऐसा क्या डालूं तो ये बन जाए, पहले पहले वाला एरो के लिए बताइए, रेज योर हैंड। मयंक बताइए पहले एरो के लिए। सर एच बी आर, एच बी आर पहला एरो है आपका, एच बी आर इन द प्रेजेंस ऑफ नथिंग, दिस इज मार्कोनी। अब मैं इसमें ऐसा क्या डालूं जो ये बन जाए, रेज योर हैंड। भानु सर एल्कोहलिक KOH, बिल्कुल एल्कोहलिक KOH। देखो एल्कोहलिक KOH अगर आपने डाल दिया तो यहाँ सेट जेफ रूल लगेगा, अल्फा से तो चलो बी आर चला गया, कौन से वाले बीटा से हाइड्रोजन जाएगा, जहां पर चेन लंबी है यानी इस वाले से हाइड्रोजन जाएगा, तो बन गया आपका यही, ठीक है। तो ये ब्यूट वन इन से ब्यूट टू इन बनाने का था। अगला है ब्रोमोमीथेन से टू ब्रोमोमीथेन से प्रोपेनॉन, ब्रोमोमीथेन से बनाना है प्रोपेनॉन, ये है ब्रोमोमीथेन सी एच थ्री बी आर, ठीक है। तो बनाना क्या है प्रोपेनॉन, तो सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, एसीटोन होता है सभी को पता है प्रोपेनॉन, कीटोन बनाना है मतलब ब्रोमोफॉर्म से। तो यहाँ एक नई चीज आएगी जो कॉन्सेंट्रेट लगा के, यहाँ देखना एक बार जो मैं चीज बताने वाला हूँ। अब भाई देखो इसमें ऐड कर दिया आपका, मैं इसको ना ब्रोमो मिथेन को एक बार इस तरह से दिखा रहा हूँ, यहाँ ऐड कर दिया है सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड एन, और ना ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट का अटैक है, तो इसको आपको ना थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, मैं इसको यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। तो देखो सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड एन, और आपने यहां डाल दिया सी एच थ्री बी आर, ठीक है। तो पहले ग्रिगनार्ड रिएजेंट तैयार कर लेते हैं, तो पहले और अच्छा होगा आप इस रिएजेंट को तैयार कर लो, रिएजेंट है सी एच थ्री बी आर, और इसमें क्या डाल दो मैग्नीशियम, तो आर एम जी एक्स बन जाएगा सी एच थ्री एम जी बी आर, ये बन गया आपका ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अब ग्रिगनार्ड रिएजेंट किस पे अटैक करता है, चार चीजों पे अटैक करता है आपकी ट्वेल्थ क्लास में ग्रिगनार्ड रिएजेंट, कौन कौन सी चीज है, नंबर वन सी ट्रिपल बॉन्ड एन पे अटैक कर सकता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट, तो बनाएगा क्या आंसर, ये बनाएगा आपका कीटोन। अच्छा और सुनो, कीटोन पे अटैक कर सकता है ग्रिगनार्ड, बनाएगा क्या कीटोन पे रिएक्ट होगा तो थ्री डिग्री अल्कोहल, तीसरा इसका नाम तो सभी समझते होंगे सी एच ओ, सी एच ओ इस पे भी अटैक कर सकता है ग्रिगनार्ड, क्या बनाएगा वन डिग्री
या फिर 2 डिग्री एल्कोहल। फिलहाल तो लिख लो, बाकी जब आएगा जब डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर 4 है, नंबर 4 है C डबल बॉन्ड O पे भी अटैक कर सकता है ग्रिग्नार्ड, और क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक। तो मैंने पूरी आपकी जितनी भी एनसीईआरटी में ग्रिग्नार्ड के अटैक होने वाले हैं वो सारे लिखवा दिए। ये है ग्रिग्नार्ड, ठीक है। रिएजेंट अटैक, ठीक है। तो अच्छी तरह से नोट कर लेना इनको सभी को। अब देखो आपके सामने क्या है, सीएन पे अटैक हो रहा है। फिलहाल क्या बनाएगा, कीटोन बनाएगा। कैसे बनाएगा वो देखो ऊपर। पहले तो उसका क्या बना लिया हमने, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लिया। अब इसमें हम क्या डालने वाले हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N हम डालने वाले हैं। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, यानी ये बॉन्ड यहां टूटेगा तो कार्बन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही हो जाएगा। नेगेटिव अटैक करवाएंगे तो मैग्नीशियम क्या है, पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव पे अटैक करेगा। मैग्नीशियम हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। और ये वाला हिस्सा जो होता है ये नेगेटिव होता है, ये भी नेगेटिव होता है, ये 2 पॉजिटिव होता है, तो सिंगल सिंगल नेगेटिव। आपको जहां जरूरत है वहां अटैक करवाना है। तो देखो रिएक्शन प्रोसीड होगी कुछ ऐसे, CH3 C, अब ये डबल बॉन्ड रह गया, ट्रिपल था तो N, नेगेटिव ये टूट गया ना बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव पे क्या जुड़ जाएगा, NMGBR, और पॉजिटिव पे क्या जुड़ जाएगा, ये नेगेटिव। तो यहाँ आ गया आपका CH3। अगला स्टेप क्या होता है, हमेशा पानी डालो, पानी डालने से क्या निकलता है, MgOHBr, ये निकल जाएगा MgOH और Br। और पानी डालने से नाइट्रोजन जो है MgOHBr तो निकल ही गया, 2 मोल अगर पानी के अगर मैं ले लेता हूं तो MgOH गया, 3 हाइड्रोजन बच गए, 3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन को लेके चले जाएंगे NH3। अब बताओ मुझे सोच समझ के यहाँ और क्या बचता है ये निकल जाने के बाद, रेज योर हैंड। कमाल की चीज समझ रहे हैं आज हम, अगर मान लो 2H2O है और यहाँ से MgOH निकल गया और NH3 भी निकल गया यहाँ से, ठीक है, MgOH भी गया, तो अब यहाँ इसमें बचता क्या है सर्कल के अंदर। वेरी गुड श्वेता, बताइए क्या बचता है, ऑक्सीजन का एक एटम, ऑक्सीजन का एक एटम बचता है, जो वो बचा है उसी को यहाँ लगा दो बस, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ है आपका CH3, ये बन गया आपका, क्या चाहिए आपको, एसीटोन या प्रोपेनॉन, तो प्रोपेनॉन ये बन गया। तो जो आपने भी सीखा है ना, ये जो पूरा ओवरऑल सीखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत खास चीज है, ठीक है ना। तो किसी को कोई डाउट हो तो रेज करो अपना हैंड। श्वेता बताइए भैया, ये सेकंड स्टेप फिर से समझा दो, ये कैसे टूटा है और कहां पे कैसे जुड़ा है। बिल्कुल, मैं इस पूरे क्वेश्चन को दोबारा करवा रहा हूँ, ध्यान से देखना एक बार। क्वेश्चन आया था कि भाई ब्रोमोमीथेन से प्रोपेनॉन बनाओ, ये होता है ब्रोमोमीथेन, ये होता है प्रोपेनॉन। तो मैं पूरा दोबारा करवा रहा हूँ, तो ध्यान से समझना इसको क्या है ये। देखो सबसे पहला काम, इसमें हमने डाला मैग्नीशियम ताकि हमारा रिएजेंट बन जाए, CH3 MgBr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। अब इसमें हमें क्या डालना है, कार्बन तो बढ़ाने हैं ना, यहाँ 3 कार्बन है या 2 ही कार्बन है, तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, मैग्नीशियम तो हाईली पॉजिटिव है भाई, ये दोनों नेगेटिव होते हैं, लेकिन हमें इन दोनों से ही मतलब रहेगा पूरी ऑर्गेनिक में, पूरी 12th क्लास में, एक इससे पॉजिटिव और इससे नेगेटिव। ये हिस्सा क्या हो गया भाई, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, सॉरी ये डबल बॉन्ड इस पे टूटा है तो नेगेटिव, ये क्या हो गया पॉजिटिव, बस अपोजिट एंड को मिला दो और कुछ नहीं है। ये देखो ऐसे मिला दो CH3 C जो कि पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव वाला हिस्सा क्या है, CH3 आ गया।
यहाँ आ गया आपका N, ये वाला N और MgBr, NmgBr। अब हमारा अगला काम क्या होता है, इसमें डालो पानी, इसमें डाल दो H2O। कितने, दो डालो, CN में दो डलते हैं, बाकी में एक एक डलता है। तो देखो यहाँ जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था, 2H2 डाल दिया, 2H2 के अंदर चार हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन है, चार हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन तो गया, ये देखो ये गया MgOHBr गया। तीन हाइड्रोजन रह गए, वो नाइट्रोजन से हाइड्रोजन निकाल लेंगे NH3। तो सोचने वाली बात है, बचता क्या है यहाँ पे, अब ये दोनों निकल चुके हैं, ये रे नाइट्रोजन भी निकल चुका है, ये रहा, यहाँ बचता क्या है, हाइड्रोजन तीन, ये रे एक, ये रहा चार तो निकल गए, ऑक्सीजन एक, ये रहा, तो बचता क्या है, बचता है एक ही ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन जो एक है वो यहाँ लगा दो और खेल हो गया आपका खत्म। ये इस तरीके से CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ आ गया CH3 खत्म। ये एग्रीनाड अटैक, आधा डाल लो चैप्टर नंबर 10 11 12 13 सभी में एग्रीनाड अटैक होगा ऐसी, बहुत खास, ठीक है। तो ये एग्रीनाड अटैक की पूरी कहानी है, पूरे ऑर्गेनिक में कौन कौन सी जगह पे होगा। अब आया है नंबर, आज का लास्ट है ये 27, बाकी तीन है बहुत आसान आसान से हैं, कल कर लेंगे उन्हें। ये है आपका एनिलीन से फिनाइल आइसोसाइनाइड, एनिलीन से फिनाइल आइसोसाइनाइड। देखो ये है ना पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 13 का लिया हुआ है, फिर आप कहोगे कि इस चैप्टर में क्यों दे दिया, देने का रीजन सुन लो, इसीलिए दे दिया क्योंकि यहाँ क्लोरोफॉर्म यूज हुआ है। ये एक बहुत खास रिएजेंट है जो कि बहुत आम हो जाता है चैप्टर नंबर 13 में, क्यों, क्योंकि ये पॉपुलर कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है। अगर 1 डिग्री अमाइन पर ऐसे क्लोरोफॉर्म और KOH अटैक करेंगे तो ये हमेशा NC बनाता है, NC का मतलब फाउल स्मेल यानी साइनाइड, NC, इसको फाउल स्मेल भी लिखते हैं यहाँ, फाउल स्मेल। और बहुत पॉपुलर रिएक्शन है कार्बाइल अमाइन की, तो इसकी जो साइड प्रोडक्ट भी लिख लेना, एक तो 3 KCl है और एक 3 H2O है। ये मैं सोचना कि हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने समझाया भी नहीं है, ये आएगा तुम्हारा 13 चैप्टर अमाइन, ठीक है। तो अमाइन वाले में करेंगे, आज की क्लास के लिए इतना ही था, 27 तीन रह गए, तीन के अलावा कल अगली चीज जो है उस पर अटैक करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।